ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਫਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਫਾਈਟ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 75-25 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਏ 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 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮਜਬੂਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜਬੂਰ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजेस मैनेजमेंट फेडरेशन प्रिंसिपल एसोसिएशन पंजाब चंडीगढ़ कॉलेजेस टीचर्स यूनियन अते अनएडिड प्राइवेट कॉलेजां दी जत्थेबंदी दी सांझी एक्शन कमेटी ने सूबा सरकार वल्लों कोई उचित हुंगारा ना मिलण ते 18 जनवरी तो समूह कॉलेजां दी तालाबंदी शुरू हो चुकी है। इस नाल 200 तो वधेरे विद्यक अदारियां च पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है ते प्रोफेसरां दा कहना है कि बच्चों की पढ़ाई च अड़चन की जिम्मेवारी सूबा सरकार दी है अते संबंधित सारे जिला हेडक्वार्टर च डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दित्ते गए। इसे तहत वख-वख कॉलेजां दे अध्यापकां वल्लों अमृतसर दे डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दित्ता गया। सो इस समय गलबात करदे आं कॉलेज दे प्रोफेसरां दा की कहना है आओ सुणदे हां। मैं डॉक्टर गुरदास सिंह सेखों जनरल सैकटरी पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर यूनियन। अज दा साडा इह जिहड़ा प्रोटेस्ट हैगा इह पंजाब सरकार दे उस गलत रवैये दे विरुद्ध है जिस दे विच पंजाब सरकार ने 7th पे कमिशन दे विच नॉन गवर्नमेंट एडड कॉलेजां दी जिहड़ी रिटायरमेंट एज आ उहनूं इक तां घट करके 58 तों 60 साल करन दी कोशिश कीती गई है जिहड़ी कि किसी भी हालत दे विच बर्दाश्त नहीं कीती जाएगी। पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर यूनियन इहदे ते बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक्टिवली आ जिहड़ा काम कर रही है। यह किसी भी हालत दे विच नहीं हो सकता क्योंकि 1978 दा इह एक्ट है 44 साल पुराना जिहदे च 60 साल उम्र चली आ रही है। तीनों यूनिवर्सिटियां दे कैलेंडरां दे विच अध्यापकों की उम्र इन्हों की 60 साल है जिन्हों के किसी भी हालत के इस तरीके 58 साल नहीं किया जा सकता। साड़ी अज का जो प्रोटेस्ट है जॉइंट एक्शन कमेटी के अंडर है जिदे साड़ी दूसरी डिमांड हैगी है कि जो ऑनलाइन पोर्टल से एडमिशन सरकार करना चाहती है ये बिल्कुल गलत है। जे करना चाहे तो करे पर साड़ी ये डिमांड है कि जिन्हें भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उन्होंने सारिया के ऑनलाइन पोर्टल से एडमिशन शुरू की जाए कल्ले नॉन गवर्नमेंट एडड कॉलेजों के उपर तलवार ना चलाई जाए। इस तरह जेडे साडे कॉलेजों के अध्यापक काम करते हैं नवीं पोस्टा भरिया ने सरकार ने 75-25 की रेशो के असी सरकार तो डिमांड करते हैं कि वह जी 75-25 की ग्रांट है वह कोई पॉलिसी नहीं आनू खत्म करके उन्होंने भी 95% ग्रांट एंड एड के लिया जाए। जेडे अनकवर्ड पोस्टा के उपर अध्यापक काम करते हैं उन्होंने भी ग्रांट के कवर करके हायर एजुकेशन उच्चा चक्या जा सकता है और असी उम्मीद करते हैं इस सरकार तो क्योंकि कहें असी प्रो एजुकेशन है प्रो हैल्थ है जे प्रो एजुकेशन है प्रो हैल्थ है तो इन्हों हायर एजुकेशन बचाने की कोशिश करनी चाहिए है। यहोजा कोई काम नहीं करना चाहिए जिदे हायर एजुकेशन का स्टेट के नुकसान हो जे इस तरह पॉलिसियां लैके आएंगे ये हायर एजुकेशन का स्टेट के नुकसान होगा। जिस तरीके सरकार 2 साल घट करके उम्र कोई थोड़े बहुते पैसे बचाने की कोशिश कर भी रही है मैनू नहीं लगता जिन्ने पैसे बचणगे उस तो वड्डा नुकसान है जिहड़ा वह इन्हां कॉलेजां दे विच काम करदे अध्यापकां दे कारण जो हायर एजुकेशन दे विच कंट्रीब्यूशन है वह नुकसान ज़्यादा वड्डा सरकार नूं वह सोचना चाहिए थोड़े पैसों पिछे अजिहा काम नहीं करना चाहिए गा। जेकर सरकार ने साडी डिमांड पूरियां ना कीतियां तां आउण वाले समें दे विच जॉइंट एक्शन कमेटी ते पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर यूनियन इस संघर्ष नूं होर तेज़ करेगी। जिन्ना चिर साडियां डिमांड पूरियां नहीं होणगीआं ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜਿਸ ਮੈਨੇਜਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
एक तो जो सरकार ने रीसेंट नोटिफिकेशन किया है कि जी इन्हों की डेट ऑफ रिटायरमेंट है एज जी 58 साल कर दी है उन्होंने लैके भी इन्हों का रिजेंटमेंट है। दूसरा इन्हों का इशू हैगा कि जरा ग्रांट इन एड जो है ओरिजिनली इट वॉज 95% तो इन्हों की मंग है कि इन्हों रिस्टोर किया जाए जो सरकार ने शायद हूँ 75-25% किया है। तीसरा इन्हों का है कि जो ऑनलाइन एडमिशन बच्चों का किया जा रहा है वो बारे भी इन्हों का डिसएग्रीमेंट है। सो ये तीनों मंगा इन्हों जो प्राप्त हुई ने सो ये जोड़ा है मंग पत्र साढ़े को आया असं इन्हों सरकार फॉरवर्ड करा तो जी कि अगली बनती लिखने की कार्रवाई इतने की जाए। ठीक है एवन मीडिया अमृतसर तो नरेंद्र सेठी की खास रिपोर्ट।